Hello friends, today my topic is regarding therapies. As we all aware of different kind of therapies which are available in the world, like allopathy, homeopathy, acupressure, magnetotherapy, sujog, aromapathy, naturopathy, Ayurveda, like that. So many therapies are there. And at last, I'll just talk to you in brief regarding biochemic system of medicine also, because that is my most favorite therapy, and I think it is the safest therapy without having no side effects, and it is very easy to do it at your home also. First of all, I'll start with the name Hippocrate. Hippocrate was a person of Greece who has founded this modern medicine in the year 460 BC. So 460 BC was the year when Mr. Hippocrate of Greece was there, and he has postulated the modern medicine. Contraria, contralis, curantur. That means opposite cures opposite. That is the philosophy behind how it works. Likewise for homeopathy. Homeopathy mein ke andar ek doctor hua karte the, Dr. Samuel Hahnemann. Dr. Samuel Hahnemann jo the, ye iske homeopathy ke origin, he was originator of homeopathy. He was a German physicist. And he was basically an allopathy doctor. Came. So homeopathy ka theory, jo philosophy ki agar hum baat kare, to homeopathy ki, to iska aata hai similiabus curantur. Okay, means like cures like. That is the philosophy behind homeopathy. Means jis salt, hum dhyan se suniyega, jis salt ki kami se koi disease hoti hai, usi salt ko dene se wo disease theek hoti hai. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी आदमी को मान लीजिए खांसी हो रही है और आपने उसको दवा दे दी और उसको हो गया लूज मोशन, तो आप ये मान के चलिए कि इन फ्यूचर अगर उसी आदमी को कभी भी लूज मोशन की शिकायत होती है तो वो दवा उसके लिए 100% काम करेगी. देयर इज़ नो डाउट बिहाइंड इट, 100% काम करेगी. आचार्य चरक जो थे, इन्होंने आयुर्वेदिक का 300 BC में आचार्य चरक वॉज दी फर्स्ट पर्सन हु इज़ नोन एज फादर ऑफ आयुर्वेदा ऑल्सो. इन्होंने आयुर्वेदिक के ऊपर डिस्कस किया. इन्होंने आयुर्वेदिक को इस तरह से बताया है कि आयुर्वेदिक के अंदर दोष के ह्यूमन आयुर्वेदिक कहते हैं, जो आयुर्वेदिक थ्योरी है हमारी, उसकी जो फिलोसफी है, उसमें डॉक्टर बोलते हैं कि द बॉडी इज मेड अप ऑफ फाइव कॉम्पोनेंट्स विच वी ऑल नो, एयर, फायर, वाटर, स्काई एंड अर्थ. ओके, अर्थ एंड स्पेस, स्काई यू कैन कॉल इट स्पेस ऑल्सो एंड अर्थ. फाइव कॉम्पोनेंट से पंच तत्व जिसको हम बोलते हैं, उससे मिलके बॉडी बनी है. और बॉडी में जो जितनी भी डिजीज होती है उसमें तीन दोष होते हैं मेनली, वात, पित्त एंड कफ. एज पर आयुर्वेदिक फिलोसफी, एवरी डिजीज इज कॉज्ड बाय इम्बैलेंस ऑफ एनी ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स. और इसी को जब हम इस इम्बैलेंस को ख़त्म कर देते हैं, एक इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाता है बॉडी में, तो हमारी डिजीज ठीक हो जाती है, ऐसा कहा जाता है. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदिक. नाउ द रिमेनिंग इज बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, विच इज़ माय फेवरेट टॉपिक. बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो होम्योपैथ का जो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन थे, इन्होंने अपनी होम्योपैथिक थ्योरी लाई थी. ये लाए थे होम्योपैथिक की 1796 में. So it was around 42 years later when Dr. Schussler had introduced biochemic system of medicine in the year 1837. उन्होंने क्या किया, डेड बॉडीज को जलाया, एक्सपेरिमेंट किया, स्टडीज किया, रिसर्च की. उसके बाद उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूँ. उन्होंने देख ह्यूमन बॉडीज को जलाया और सारी बॉडी जो जलाई उनकी अलग अलग एशेज को इकट्ठा किया. उन एशेज को उन्होंने जब क्लासीफाई किया, तो उसमें उन्होंने एक चीज़ बड़ी कॉमन पाई कि एवरी बॉडी इज कम्पोज ऑफ 12 कॉम्पोनेंट्स, 12 इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, यू कैन से 12 इनऑर्गेनिक सॉल्ट. दैट वॉज कॉमन इन ऑल ह्यूमन बॉडी एशेस. तो उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन दिया है कि एवरी बॉडी इज कम्पोज ऑफ दीज 12 इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स. एंड इट इज सिमिलर लाइक इफ एनी ऑफ सॉल्ट इज डिफिशियंट इन द बॉडी इन द सेल्स, सो अनलेस इट्स लेवल इज बैलेंस्ड द डिजीज विल नॉट गो. तो उसमें भी वो वही चीज़ करते हैं कि उसको हाई पोटेंसी, लो पोटेंसी, डिपेंडिंग अपॉन, बिकॉज तीन चीज़ें हमें दवाओं में देखनी होती है. एक तो उसकी पोटेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी, और तीसरी चीज़ उसकी क्वांटिटी.
12 सॉल्ट जो होते हैं वो मैं आपको यहाँ अभी दिखा रहा हूँ, उसके एब्रीवेशंस भी हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो वो 12 सॉल्ट मैं आपको यहाँ लिस्ट में दिखा रहा हूँ, और उसको मैं आपको शॉर्ट में, अगर आप कहिए, मैं आपको उसको शॉर्ट में बता देता हूँ। शॉर्ट में उसके अंदर आता है एक तो कैल्केरिया फ्लोरिकम, दैट इज़ कैल्शियम फ्लोराइड, ओके, CaFl2। उसके बाद हमारा आता है कैल्केरिया फॉस्फोरिकम, कैल्शियम फॉस्फेट, CaPO4, ओके। इसी तरह इसको हम शॉर्ट में CP बोलते हैं, कैल्केरिया फ्लोरिकम को CF बोलते हैं, कैल्केरिया सल्फ्यूरिकम को CaSO4 बोलते हैं, CS भी बोलते हैं शॉर्ट में। इसी तरह अब आ जाते हैं हम काली के अंदर, काली मीन्स पोटेशियम, के काली फॉस, काली म्यूरेटिकम, काली सल्फेट, KMP KPKS। इसी तरह से नेट्रम आ जाता है, सोडियम को हम नेट्रम बोलते हैं, सो दैट इज नेट्रम म्यूरेटिकम, नेट्रम फॉस्फेट, नेट्रम सल्फ्यूरिकम, मीन्स NMNPNNS, यह हमारा नेट्रम हो गया। तो 3 3 9 तो ये हो गया हमारे। अब बचे 9, बचे 3, 3 के अंदर एक मैग्नीशिया फॉस होती है, सल्फेट जो है उसको हम फेरम फॉस ही बोलते हैं। उसके बाद लास्ट हमारी बचती है सिलिशिया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई शुड टेल यू, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट, रादर मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट रिक्वायर्ड इन द बॉडी। सो दैट इज सिलिशिया विच इज़ नथिंग बट सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स। और ये सारे बायोकेमिक कॉम्पोनेंट्स जो हैं हमारे, ये होते तो बहुत लो क्वान्टिटी में, दे आर एज लो एज 1/12 पार्ट ऑफ द बॉडी, बट दे आर कॉल्ड एसेंशियल सॉल्ट्स। वाई? बिकॉज अनलेस दीज सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, योर नॉन एसेंशियल सॉल्ट्स, नॉन एसेंशियल कंपाउंड्स रादर, विच इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मसल मास, बोन्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, they all remain in inert form, they will not enter into any chemical reaction in absence of any of these inorganic salts. So although being in huge quantity, because they cover 11/12 part of the body, they are totally functionless in a without getting help, or you can say like unless they these inorganic salts are there, they will not be able to function. Organic compounds jitne bhi hamare jo non essential compounds jisko hum bolte hain, they are required to build up the body, to build up the muscle mass, for protein synthesis होता है, दुनिया भर के हमारे processes हैं, glycolysis है, ये सब process, RAS system है एक हमारा, renin वाला system एक है, ये सारे system जितने हमारे काम करते हैं, इस सब के अंदर organic non-essential salts जो हैं वो उन्हीं का reactions होता है, body build-up के लिए वो काम आते हैं, but with the help of inorganic salts only. सो इस तरह से हमारा जो ऑर्गेनिक जो हमारा नॉन एसेंशियल सॉल्ट्स हैं वो इस तरह से वर्क करते हैं, बट जो एसेंशियल सॉल्ट्स हमारे हैं, जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, ऑल्दो बीइंग इन वेरी लेस क्वांटिटी, बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ द बॉडी, दैट इज़ द थिंग यू शुड रिमेंबर, सर्वाइवल ऑफ द बॉडी। सो दैट इज़ द टोटल बायोकेमिस्ट्री। यू कैन रीड द बुक्स ऑल्सो, लॉट ऑफ बुक्स आर रिटन, वन बुक आई एम शोइंग यू इन माई क्लिप ऑल्सो, so those books you can purchase in which you will find the repertory, wherein you will find that right from mind to leg every part is described and so many medicines are prescribed accordingly. And for materia medica, because already I have told you there are only 12 salts, तो वो salts का मैं आपको list दे ही रहा हूँ यहाँ पर, आप इसको देख लीजिए और उसके हिसाब से आपके पास salts भी आ गए और repertory भी है, आप उसके हिसाब से अपनी medicine खुद भी compound बना सकते हैं, अदरवाइज आप doctor की help भी ले सकते हैं। But let me tell you at last, it is not part of homeopathy. It is a totally different science. Although most of the doctors, what they do is while prescribing the prescription, they write down certain biochemic salts also. But biochemic does not need any support from any homeopathy. Okay, so it is altogether a different science and it is independent of any other science. Safest therapy hai, iske andar koi side effect nahi hai. सो मेरा आप लोगों से एडवाइस यही है कि गो फॉर बायोकेमिक, ओके। आपको वीडियो अगर मेरा पसंद आया हो तो आप काइंडली शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अनलेस यू विल सब्सक्राइब आई विल नॉट बी एबल टू पुट माई मोर वीडियोज़, और मुझे थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए भी ज़रूरी है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।